यह है खां साहब जिन्होंने जौनपुर शाहगंज रूट पर पड़ने वाले मनिकला रेलवे स्टेशन से LTT अयोध्या कैंट सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन का वीडियो बनाकर हमें भेजा। खां साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच एक अच्छा सा प्यारा सा वीडियो बनाकर हमें भेजने के लिए। आप जहाँ कहीं भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। जिस ट्रैक पर खां साहब चल रहे हैं, यह नया नव निर्मित ट्रैक है, डबल लाइन का, साथ में इलेक्ट्रीफाइड भी है। तो अब इस ट्रैक पर ट्रेनों का जो आवागमन है गया है, मालगाड़ी का भी, साथ में जो सवारी गाड़ी हैं और एक्सप्रेस ट्रेन है उनका भी। तो दिखाएंगे आप लोगों को इसी ट्रैक पर जब LTT अयोध्या कैंट सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन इस ट्रैक से गुजर रही होगी, साथ में मालगाड़ी दूसरे ट्रैक से गुजर रही होगी। यानी कि आप लोगों को स्पष्ट हो जाएगा कि दोनों ही ट्रैक पर ट्रेनों का संचालन हो रहा है। पुराना जो ट्रैक है वो बाएं दिशा में है, नया जो ट्रैक है ये दाएं दिशा में है, जिस पर खां साहब चल रहे हैं। तो दो अलग अलग जगह से क्लिप्स बनाई हुई हैं एक ही ट्रेन की, थोड़ी सी दूरी पर। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं ट्रैक के नीचे से, दिखाते हैं आप लोगों को किस तरह से शूट किया गया वीडियो, देखिए। तो दोनों ही ट्रैक पर ट्रेनें चल रही हैं, एक पर मालगाड़ी चल रही है, दूसरी पर LTT अयोध्या कैंट सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन शाहगंज की दिशा में जा रही है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर ये नज़ारा देखने को मिला, जिससे कि ये प्रूव भी हो गया कि दोनों ही ट्रैक ऑपरेटेड है। यानी कि पहले ट्रैक तो ऑपरेशनल था ही, दूसरे ट्रैक पर भी जो गाड़ियों का आवागमन है वो शुरू हो गया। तो अभी हम आप लोगों को कई ट्रेनों का व्यू दिखाएंगे। ये देखिए एक बार फिर से नज़ारा देखिएगा आप लोग, ये पहले वीडियो शूट किया जा रहा था, उसके बाद में वो वीडियो शूट किया गया। तो Web4 के द्वारा इस ट्रेन का संचालन किया जा रहा है, शाहगंज की दिशा में जा रही है। एक खूबसूरत सा वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा जो खां साहब ने हमें बनाकर भेजा। और आने वाले समय में अगर कोई अन्य ट्रेन इस ट्रैक से गुजरेगी तो उसका भी वीडियो हम आप लोगों को दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे खां साहब की मदद से। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फिर किसी अगले वीडियो में मिलेंगे एक नई अपडेट, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।